तो हे नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं अनबॉक्सिंग और मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन ASUS ExpertBook P2451। और इसके बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलेगा, क्या इसकी स्पेसिफिकेशन होंगी इस लैपटॉप की, वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। और क्या मुझे अच्छा लगा ये लैपटॉप फर्स्ट इम्प्रेशन में, वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा ASUS का बॉक्स। और अगर आप ASUS के प्रोडक्ट्स काफ़ी पहले से देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये कॉमन बॉक्स है। इसी टाइप का बॉक्स हमेशा आपको देखने को मिलेगा। अगर आप ROG की बात करते हैं तो ROG में इस टाइप के बॉक्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ये नॉर्मल एक्सपर्ट बुक का बॉक्स है। एंड मैं इसको जल्दी से ओपन करती हूँ और बताती हूँ इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से इसको मैं खोल देती हूँ, इस पैकेट को ओपन कर देती हूँ। पैकेट के अंदर ऑब्वियसली लैपटॉप हुआ है। एंड मैं इसको भी थोड़ा साइड पे रख देती हूँ, इसका वेट मुझे काफ़ी ज़्यादा लगा इस टाइम पे। मैं इसको साइड पे रख देती हूँ और बाकी अंदर जो जो चीज़ें पड़ी हैं उसको मैं देख लेती हूँ एक बार। तो गाइस, मैंने लैपटॉप को साइड पे रख दिया है। एंड ये उसके अंदर से मिला है, ये SSD किट है। ये तो SSD किट को हम लोग साइड पे रख देते हैं। एंड ये यूज़र गाइड है, अंदर देखा जाए तो इसमें चार्जर दिया गया है। तो गाइस, बात करूँ कि मैं इस लैपटॉप के बारे में, इस एक्सपर्ट बुक के बारे में, तो यहाँ पे कई सारे जो स्पेसिफिकेशन जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो उनके बारे में डिटेल में आपको बता देती हूँ। इसमें आपको इंटेल कोर प्रोसेसर 10th जनरेशन को देखने को मिल जाएगा। अप टू 32GB की मेमोरी इसमें देखने को मिल जाएगी और इंटेल का वाईफाई 6 देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बैटरी लाइफ आपको अप्रॉक्सिमेटली 13 घंटे की मिल जाएगी। बात करते हैं इसके राइट और लेफ्ट साइड के बारे में, ये उसमें क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। माइक्रो SD कार्ड रीडर, USB 2.0 हेडफोन आउट एंड ऑडियो इन कॉम्बो, USB 3.2 जनरेशन 1 टाइप ए, और साथ में VGA देखने को मिल जाएगा, किंगस्टन लॉक स्लॉट मिल जाएगा। और लेफ्ट साइड में देखें तो यहाँ पे आपको RJ45 इथरनेट देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप अपने वाईफाई जो कनेक्शन है डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा HDMI डिस्प्ले आउट देखने को मिल जाएगा, USB-C टाइप सी जो है आपको 3.2 जनरेशन 2 का सपोर्टिंग फास्ट चार्जर आपको देखने को मिल जाएगा, ट्रांसफर फाइल्स आप कर सकते हैं इसके थ्रू, एंड USB 3.2 का जनरेशन 1 टाइप ए मिल जाएगा। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे आपको यूजर एक्सपीरियंस काफी बढ़िया देखने को मिल जाएगा। SensePoint जो डिजाइन मैंने आपको दिखाया, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, SensePoint डिजाइन जो है, SensePoint से आप ऑन स्क्रीन कर्सर को कंट्रोल कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको अल्टीमेट कीबोर्ड देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपके पास बैकलिट स्पिल रेजिस्टेंस कीबोर्ड देखने को मिल जाएगा। इसकी मैं सिक्योरिटी की बात करूँ तो आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। बहुत बढ़िया मुझे चीज़ लगी, काफ़ी फास्ट है फिंगरप्रिंट सेंसर, उसका मैंने ट्राई किया था। इसी डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे 14-inch का वाइड डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा बैटरी जो है वो 3-cell 48V की लियोन पॉलीमर बैटरी है। और इसमें HD कैमरा दिया गया है, वेबकैम शील्ड दिया गया है, स्टाइलिश 4 ब्लैक कलर यहाँ पे दिया गया है। मुझे इसका कलर बहुत प्यारा लगा, बहुत ही मतलब प्रीमियम सा लगा। इसका जो बॉडी है मुझे काफ़ी अच्छी लगी देखने में। अगर मान लीजिए आप एडिटिंग करना चाहते हैं तो एडिटिंग में भी कई सारी चीज़ें फैक्टर्स आ जाते हैं कि एडिटिंग में भी। एंड मैं बात करूँ तो इस लैपटॉप की, तो मैंने एडिटिंग भी की थी इसके अंदर, एंड मुझे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला कि मैं जिससे डिसअपॉइंट हो जाऊँ। काफ़ी बढ़िया मुझे लैपटॉप लगा। जो इसका जो इसके बारे में जो प्राइसिंग वगैरह वो सब मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ मुझे इस लैपटॉप की ये लगी कि ये लैपटॉप बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है। अगर आप ऑफिस वर्क करते हैं या एडिटिंग करते हैं, ये सब आपका अगर आपका प्रोफेशन है, तो आपको ये लैपटॉप लेना चाहिए, क्योंकि इसकी जो स्टोरेज है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। आप इस पे अपनी वीडियोस वगैरह एडिट करके रख सकते हैं। मुझे पता है कि मैं जब भी अपनी कोई वीडियो बनाती हूँ तो मुझे उस वीडियो को हटाना पड़ता है एक बार अपलोड करने के बाद। अगर आपके पास ये लैपटॉप होगा तो आपको हटाने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। आप अगर डिलीट ना भी करें तब भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके लैपटॉप को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात तो यही होती है। इसके अलावा अगर आप ऑफिस वर्क करते हैं, ऑफिस वर्क में हम सबको पता है बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है, एंड वर्कलोड के साथ साथ अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप यूज़ करेंगे तो ये लैपटॉप आपको काफ़ी बढ़िया लगने वाला है। मुझे जितना अभी तक यूज़ किया उससे मेरी जो रेटिंग है इस लैपटॉप को 10 में से 9 है। एंड वो इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इसके जो बॉडी है, बॉडी पे जब भी हम इसको टच करते हैं तो हमारा जो फिंगर के मार्क्स हैं वो इस पे आ जाते हैं, जिससे कि इसका जो लुक है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। और मैं नहीं समझती ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये छोटी सी एक इशू है जो कि हम लोग ऑलमोस्ट हर लैपटॉप में होता ही है, बट फिर भी मुझे ये लैपटॉप
बहुत अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ जिनको भी रिसेंटली नया लैपटॉप परचेज करने का उन्होंने सोचा था, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी आपको अगर डाउट है इस लैपटॉप के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं आपको इस लैपटॉप की जो जानकारी जितनी भी मैं आपको दे पाऊंगी मैं आपको ज़रूर दूंगी कमेंट सेक्शन के थ्रू। जैसे ही ये मार्केट में आएगा मैं इसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जो अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।